बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंट स्लाइड्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। तो जो गाबा रिसेप्टर होता है, हम इसको पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी स्लाइड के अंदर सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग को कवर करना है। इसके अलावा एंटी एपिलेप्सी है और हार्ट फ्लियर है, एंजाइना वगैरह को कवर करना है। तो सबसे पहले है हम गाबा ए रिसेप्टर वगैरह सेडेटिव हिप्नोटिक वगैरह को कवर कर लेते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक ने गाबा ए पे जाके बाइंड करना है। सेडेटिव हिप्नोटिक के अंदर मेनली बेंजोडाइजेपिन और बारबिट्यूरेट होती है। बेंजोडाइजेपिन है फ्रीक्वेंसी को, जबकि बारबिट्यूरेट ने क्लोराइड की जो ड्यूरेशन को बढ़ा देना होता है। अब इसके डिफरेंट सब यूनिट होते हैं, दो अल्फा है, दो बीटा और गैमा होते हैं। जो बेंजोडाइजेपिन साइट होती है, यह अल्फा वन और गैमा टू के दरमियान में होती है, जबकि गाबा बाइंडिंग साइट बीटा टू और अल्फा वन, ओके, इन दोनों के दरमियान में होती है। मैं शायद उलट तो नहीं कह रहा, अगर आप यहाँ पे देखो अल्फ़ा वन और बीटा टू के दरमियान में गाबा वाली साइट होती है, जबकि अल्फ़ा वन और बीटा यानी जो अल्फ़ा वन और गामा टू के दरमियान में बेंजोडाइजेपिन साइट होती है, और सेंटर में क्लोराइड पोर होता है। जो बेंजोडाइजेपिन है उसने क्लोराइड मीडिएटेड कंडक्टेंस को बढ़ा देना है, फ्रीक्वेंसी वगैरह को बढ़ा देना है, ठीक है। अब जो गाबा रिसेप्टर होती है तीन टाइप के होती है, और हर एक के साथ स्पेशलाइज्ड सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है। गाबा ए वाला आइनोट्रॉपिक है, गाबा बी वाला मेटाबोट्रॉपिक है, गाबा सी वाला आइनोट्रॉपिक होता है। गाबा ए वाला थैलेमस के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, लिम्बिक सिस्टम में होता है। गाबा बी स्केलेटल मसल के अंदर होता है, गाबा सी आइस के अंदर होता है। अब ये बेंजोडाइजेपिन आपको नजर आ रही होगी, जो बेंजोडाइजेपिन है, ओके, तो ये बेंजोडाइजेपिन का ऑन द बेस ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देती है, शॉर्ट हाफ लाइफ, इंटरमीडिएट और लॉन्ग हाफ लाइफ। जो शॉर्ट हाफ लाइफ है, एस्मेलप्राजोलाम, मिडाजोलाम, ऑक्साजीपाम और ट्रायोजोलाम आ जाती है, जबकि इंटरमीडिएट के अंदर एस्ट्राजोलाम, लोराजीपाम और टीमाजीपाम है। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर क्लोराजीपेड है, क्लोडाइजीपॉक्साइड है, डाइजीपाम है, फ्लोराजीपाम और क्यूजाजीपाम है। क्लिनिकल यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन, तो बेंजोडाइजेपिन इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेडेशन, एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर है, फोबिया है, मसल रिलैक्सेशन है, एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी होती है, एंटी रोगेट एमनीजिया करवा देती है, एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है, अल्कोहल के विड्रॉल सिम्पटम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो बारबिट्यूरेट होती है, बारबिट्यूरेट ने मेनली फ्रीक्वेंसी को नहीं बल्कि टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। इसमें फिनोबारबिटल, पेंटोबारबिटल, सिकोबारबिटल है। फिनोबारबिटल लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि पेंटोबारबिटल, सिकोबारबिटल, एमोबारबिटल शॉर्ट एक्टिंग होती है। क्लिनिकल यूजेस ऑफ बारबिट्यूरेट, एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी है, एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है, न्यूनेटल जेंडर्स के तौर पर ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इनके स्पेशलाइज्ड इफेक्ट होते हैं इनके साथ, फॉर एग्जांपल इनके अगेंस्ट टॉलरेंस हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब है कि ड्रग का जो रिस्पॉन्स है आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहा है आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर, ठीक हो गया, तो टॉलरेंस होती है। फिर दो टाइप की डिपेंडेंस है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, ओके। जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है आप उसको सिंपल एडिक्शन वगैरह भी कह सकते हैं, और डिपेंडेंस को आप सिंपल फिजिकल वगैरह या फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, फ्लोमाजेनिला, फ्लोमाजेनिला इनका एंटीडोट होता है, ठीक है। नॉन यानी जो नॉन बेंजोडाइजेपिन और बेंजोडाइजेपिन, इन दोनों को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इन्वर्स एगोनिस्ट में बीटा कार्बोलिन होते हैं। इसके बाद न्यूर हिप्नोटिक, इसमें न्यूर हिप्नोटिक के अंदर जो जोलपिडेम, ज़ालिप्लोन और एज़ापिक्लोन आ जाती है, ठीक है, ओके। तो ये भी आगे हिप्नोसिस वगैरह करवा देती है, ओके, और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है बसपिरोन है, जो बसपिरोन होती है ये ड्रग सेरोटोनिन बनने के लिए पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। एनशियोलिटिक होती है, हिप्नोटिक एक्शन नहीं होता, प्री सिनैप्टिक रिएक्ट करती है ताकि सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन की फायरिंग को स्टॉप कर सके, स्पेसिफिकली डोर्सल रैफी न्यूक्लियस के अंदर, ओके, ठीक हो गया। अब इसके जो क्लिनिकल यूज है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, लेकिन इसको यूज़ करने की वजह से नोजिया, हेडेक, नर्वसनेस हो सकती है, ब्लड वीएन हो सकती है। ये डिपेंडेंस नहीं करवाती, सेडेशन भी नहीं कराती, मोटर इनकोऑर्डिनेशन भी नहीं कराती, यानी ये बेंजोडाइजेपिन आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिपेंडेंस नहीं होती, सेडेशन नहीं होती और मसल इनकोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो ये जो स्लाइड्स है, डॉक्टर मोहम्मद अली एम फिल PhD इनसे ली गई, यानी कि लेक्चर से, ठीक है, तो क्रेडिट इनको जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है एपिलेप्सी है। तो एपिलेप्सी एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन है ब्रेन का, वो सडन चेंज आ जाता है, उसके अंदर सडन अल्टरेशन होती है। एपिलेप्सी को सिंपल कह सकते हैं रिकरेंट सीजर्स, ओके, रिकरेंट सीजर को एपिलेप्सी कहते हैं। और जो सिंगल सीजर होते हैं, पैरोक्सिमल एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरॉन की एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होती है सेरिब्रल न्यूरॉन के अंदर। जो कन्वल्जन होती है, कन्वल्जन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इनवॉलंटरी वायलेंट स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल की, तो इसको कन्वल्जन कहते हैं। अब जो सीजर की एटियोलॉजी है, लाइक कंजेनिटल डिफेक्ट, हेड इंजरी है, ट्रॉमा, हाइपोक्सिया की वजह से सीजर हो सकती है, इन्फेक्शन है, मेनिनजाइटिस, सेप्सिस है, वायरल एनसेफलाइटिस है, कंकशन है, डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर है, ब्रेन ट्यूमर है, ट्यूबरकुलोमा है, ड्रग विड्रॉल है, बच्चों के अंदर फीवर होता है, फीब्रिल कन्वल्जन या हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, इसकी वजह से सीजर हो सकती है। अब सीजर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फोकल और जनरलाइज्ड। फोकल का मतलब होता है कि जो सीजर है वो पार्टिकुलर पार्ट पे रिस्ट्रिक्टेड है और वो दूसरे हेमिस्फीयर के तक नहीं पहुंचा, लेकिन जनरलाइज्ड होता है, ये पूरे हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व कर लेता है, ओके। जो न्यूरोनल या जो नॉर्मल CNS का फंक्शन होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरॉन की डिस्चार्ज सेम होती है, लाइक ग्लूटामेट और एस्पार्टेट की जो फायरिंग होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है या कोऑर्डिनेटेड होती है गाबा से, लेकिन सीजर के अंदर एबनॉर्मल एक्साइटेशन होती है, तो गाबा कम हो जाता है या फिर ग्लूटामेट एस्पार्टेट का फंक्शन को ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जो टाइप ऑफ सीजर है,
लाइक पार्शल सीजर या फोकल सीजर और जनरलाइज सीजर होता है। इसमें जो सीजर की एक्टिविटी है एक पार्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, जबकि जो जनरलाइज है इसमें सीजर की एक्टिविटी पूरी ब्रेन को इन्वॉल्व करती है। फिर इसको आगे मजीद पांच कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एब्सेंस, मायोक्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक, टॉनिक और एक ओके इसके बाद ए टॉनिक होते हैं, जबकि पार्शल वाले को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्कैंडर्ड जनरलाइजेशन है। जो सिंपल होता है इसमें जो सीजर होता है ओके सीजर एक्टिविटी है लेकिन जो पर्सन है वो अलर्ट होता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सीजर होता है ओके सीजर एक्टिविटी के साथ उस बंदे की कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस खत्म हो जाती है, लेकिन जो स्कैंडर्ड जनरलाइजेशन के अंदर जो सीजर एक्टिविटी है वो फैल जाती है एक पार्टिकुलर एरिया से। जो एब्सेंस सीजर है इसके अंदर स्टेरिंग और ब्लिंकिंग होती है लेकिन कोई फॉलिंग नहीं होता। मायोक्लोनिक के अंदर जर्की मूवमेंट होती है बॉडी की, टॉनिक क्लोनिक के अंदर स्टिफनिंग होती है ओके, फिर इसके बाद क्या होती है जर्किनस होती है। टॉनिक को आप स्टिफनेस कह सकते हैं ओके। टॉनिक और ए टॉनिक के अंदर क्या होता है कि बंदा ग्राउंड पे गिर सकता है, यानी फॉलिंग फिनोमिना देखने को मिलता है। अब यहाँ पे न्यूरोनल ट्रांसमिशन लिखी हुआ है, लाइक आपको पता है कि प्री वाले वहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, कैल्शियम ने आगे न्यूरो ट्रांसमिटर को रिलीज करा देना है ओके, और बाकी सोडियम ने और कैल्शियम ने अपने अपने ट्रांसमीटर वगैरह के जरिए काम करना होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करवा देना होता है। इसके अलावा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपको पोस्ट में भी देखने को मिलती है, आके वो एक्साइटेशन वगैरह करवा देते हैं। जो एपिलेप्सी है यूजली कंट्रोल हो जाती है लेकिन इसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते मेडिकेशन से। अब जो एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है। जो फर्स्ट जनरेशन होती है ओके तो इसके अंदर जो दो पी है फेनिटोइन और फिनोबार्बिटल है ओके, इसके अलावा कार्बामेज़ेपीन है, वैलप्लोइक एसिड और इथोसुक्सामाइड होती है। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर लैमोट्रिजिन है, टोपिनामिड है, गाबापेंटीन है, लैबेटिरासिटाम, टियागेबिन, ऑक्सकार्बेजिन और जोनिसिमाइड होती है। तो ये सेकंड जनरेशन होती है ओके। आप इस तरह से याद रख लो, फर्स्ट जनरेशन को याद रख लो लाइक पी सी ओके, तो पी ई सी या फिर आप इस तरह से कोई मेमोरिक में बनाने की कोशिश करो होता है पी सी पी वी ई है, तो फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपीन, फेनोबार्बिटल, वेलप्रोइक एसिड और इथोसुक्सामाइड वगैरह ये याद कर सकते हो। जो न्यूअर एजेंट होती है वो ओल्डर एजेंट से किस तरह से डिफर करती है ओके, क्योंकि जो न्यूअर एजेंट होते हैं उनके ड्रग इंटरेक्शन ना होने के बराबर होता है। लाइक अगर आप देखो फेनिटोइन का देखो, वेलप्रोइक एसिड का देखो, उनका ड्रग इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो सेकंड जनरेशन या जो न्यू वाली होती है उनका ड्रग इंटरेक्शन रिलेटिवली ना खास नहीं होता, उनकी टॉलरेंस भी रिलेटिवली इंप्रूव होती है। अब ये डायग्राम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अब इस डायग्राम को तैयार करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको प्री सिनैप्टिक और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन नजर आ रहा होगा ओके। प्री सिनैप्टिक के अंदर जो सोडियम चैनल होता है, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली जो ड्रग होती है ओके, उस ड्रग में कार्बामेज़ेपीन, ऑक्सकार्बेज़ेपीन, लैमोट्रिजिन है, फेनिटोइन है, टॉपिरामेट है, वेलप्रोइक एसिड, जोनिसिमाइड होती है। जो सिनैप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन है उसको ब्लॉक करने वाली लैबेटिरासिटाम होती है, कैल्शियम को ब्लॉक करने वाली टॉपिरामेट, लैमोट्रिजिन है ओके। जो गाबा पे जाके बाइंड कर रही है ओके, तो गाबा पेंटिन और प्रीगैबलिन वैसे कैल्शियम के जरिए काम कर रही है। तो बारबिट्यूरेट और बेंजोडाइजपिन गाबा ए के जरिए काम कर रही है, जीएटी को ब्लॉक करने वाली टियागैबिन होती है, गाबा माइनोट्रांसफरेज है ओके, यानी गाबा ट्रांसपोर्टर, जबकि गाबा माइनोट्रांसफरेज को ब्लॉक करने वाली विगाबैट्रिन होती है ओके। टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाली ओके, टी टाइप को ब्लॉक करने वाली वेलप्रोइक एसिड होती है और इसके अलावा जोनिसिमाइड होती है, जबकि ऊपर हमने हाई वोल्टेज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को देखा था, उसमें टॉपिरामेट और लैमोट्रिजिन लिखी हुई है। जो फेल्बामेट होती है ये एनएमडीए को, जबकि जो ईएमपीए को ब्लॉक करने वाली पिरामपैनिल होती है। इसके बाद है कि आपको जो सोडियम चैनल नज़र आ रहा होगा जब ओपन के फॉर्म में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है ठीक है, तो जो इनएक्टिवेटेड है उस पर जाके ये ब्लॉक कर देती है वोल्टेज गेटेड चैनल को। तो कार्बामेज़ेपीन, फेनिटोइन, टॉपिरामेट है ओके, इसके अलावा लैमोट्रिजिन है, वेलप्रोइक एसिड, जोनिसिमाइड होती है। कैल्शियम को देखो तो कैल्शियम है, कैल्शियम को ब्लॉक करने वाली इथोसुक्सामाइड है, वेलप्रोइक एसिड है, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ओके। अब इनके साइड इफेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं ओके, लाइक कार्बामेज़ेपीन और कार्बामेज़ेपीन ने क्या करवा देना, हाइपोनैट्रेमिया करवा देना है। गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन इनकी वजह से आप देखो एंकल एडिमा हुआ पड़ा है, एडिमा, वेलप्रोइक एसिड की वजह से बंदा ही मोटा हो गया है, विगाबैट्रिन की वजह से आइज़ की अबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह होने देखने को मिल रही है, लैमोट्रिजिन की वजह से क्या हो रहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, फेनिटोइन की वजह से जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो गया है ओके। जो टॉपिरामेट और जोनिसिमाइडाइन की वजह से इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन वगैरह हो गई है ठीक है, जबकि वेलप्रोइक एसिड की वजह से हिपाटोटॉक्सिटी है। फेल्बामेट क्या करती है, ये प्लास्टिक एनीमिया वगैरह करवा देती है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ सीजर है, तो पहला जो ट्रीटमेंट ऑफ सीजर है उसमें जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, तो इनके लिए हमने क्या पढ़ना है, ड्रग और चॉइस, जो ड्रग और चॉइस होती है मेनली वेलप्रोइक एसिड है, टॉपिरामेट और लैमोट्रिजिन होती है, वी एल टी से याद रख लो आप, जबकि अल्टरनेटिव में कार्बामेज़ेपीन, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन है। पार्शल या सिंपल कॉम्प्लेक्स सीजर के लिए, जो पार्शल के लिए होती है ओके, तो इसके लिए कार्बामेज़ेपीन, फेनिटोइन और वेलप्रोइक एसिड है ठीक हो गया। इसके जबकि वेलप्रोइक एसिड और
टोपिनामेट और लैमोट्रिजन ये ऊपर आपने जनरलाइज टोनिक क्लोनिक के अंदर पढ़ लेना है। अल्टरनेटिव को भी छोड़ दो, एब्सेंस के लिए वेलप्रोइक एसिड और इथोसुक्सामाइड होती है, अल्टरनेटिव में क्लोनाजेपाम और लैमोट्रिजन है। मायोक्लोनिक और एटोनिक को ट्रीट करने के लिए अल्ट्रा को चॉइस वेलप्रोइक एसिड होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए लोरजेपाम और डायजेपाम इंट्रावीनस फॉर्म में होती है, या फिर फेनिटोइन देते हैं या फिर वेलप्रोइक एसिड दे सकते हैं। ओके, अल्टरनेटिव में फिनोबारबिटल लिखा हुआ है। फिब्राइल सीजर को ट्रीट करने के लिए डायजेपाम होती है, रेक्टल रूट से देते हैं। ओके, या डायजेपाम इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं। वेलप्रोइक एसिड हर एक के अंदर आ जाएगा जो प्रेगनेंसी के अंदर जो दी जाती है, वो कार्बामेजापिन, ऑक्सकार्बामेजापिन, लैमोट्रिजन और इथोसुक्सामाइड होती है। फोलिक एसिड के सप्लीमेंट वगैरह भी देने होते हैं। अब फेनिटोइन को पढ़ लेते हैं। फेनिटोइन ओरल फार्मेसी और इंट्रावीनस फॉर्म दोनों से दे सकते हैं। इंट्रावीनस फॉर्म इमरजेंसी के लिए देते हैं, लीवर के एंजाइम को इंड्यूस कर देती है। ओके, ठीक है, कार्बामेजापिन भी इंड्यूस वगैरह कर देती है। इसकी ग्लूकोनाइडेशन से मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, जो फेनिटोइन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना, स्पेसिफिकली चैनल्स को इनएक्टिवेटेड स्टेट के अंदर ब्लॉक कर देना, इनकी रिकवरी को स्लो कर देना होता है। क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं, जो फेनिटोइन है, फेनिटोइन किस किस कंडीशन के लिए इस्तेमाल होती है। पहले उन्होंने जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर और पार्शियल सीजर लिखा हुआ है। ओके, लाइक अगर जो पार्शियल सीजर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसमें कार्बामेजापिन और वेलप्रोइक एसिड भी आ जाती है, लेकिन जो टोनिक क्लोनिक सीजर है वहाँ पर वेलप्रोइक एसिड, टोपिरामेट और लैमोट्रिजन आ जाती है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती। क्लिनिकल यूजेस तो बता दिया है, एब्सेंस सीजर के लिए इफेक्टिव नहीं होती। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। 1BA एंटीरिथमिक ड्रग होती है। अब नॉन डोज रिलेटेड में जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, हिस्टोटिज्म हो सकता है, हाइडेंटाइन सिंड्रोम है जिसमें फेशियल एनोमलीज हो सकती है, फेटल एनोमली लाइक लेफ्ट लिप, लेफ्ट पैलेट, हाइपरप्लास्टिक फलेंजेस होती है, माइक्रोसेफली होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है, ऑस्टियोमलेशिया ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज एंड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह हो सकता है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन है, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर मेटाबॉलिज्म वाला लिखा हुआ है, लाइक जो लीवर के एंजाइम के इनहिबिटर होते हैं तो उसके प्लाज्मा लेवल को बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल और आइसोनियाज़ाइड होती है, जबकि जो इंड्यूसर होते हैं वो इसके लेवल को कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बामेजापिन और रिफेम्पिन होती है। अब कार्बामेजापिन का फेनिटोइन जैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसके अलावा ये इसका क्लिनिकल यूज भी सिमिलर होता है कार्बामेजापिन का, लेकिन ये मेनिया और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसका भी सिंपल ड्रग इंटरेक्शन वगैरह होती है। ओके, इसके साइड इफेक्ट की तरफ आते हैं, GIT अपसेट है, एटेक्सिया वगैरह हो सकता है, हेडेक, डिप्लोपिया वगैरह हो सकता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, क्रेनियोफेशियल एनोमली और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, हाइपोनैट्री में काफी ज्यादा कॉमन है कार्बामेजापिन और ऑक्सकार्बामेजापिन की वजह से, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, ब्लड डिस्क्रेजिया हो सकते हैं लाइक फीटल एंड एप्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद सोडियम वेलप्रोइक और वेलप्रोइक एसिड है। ओके, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, इंट्रावीनस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, जो वेलप्रोइक एसिड होता है या दूसरे ड्रग को मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, फॉर एग्जांपल कार्बामेजापिन, फेनिटोइन, टोपिरामेट, फिनोबारबिटल होती है। यूरिन के अंदर एक्सक्रीटेड होती है, ग्लूकोनाइट फॉर्म में एक्सक्रीटेड होती है। ओके, मोड ऑफ एक्शन है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना, इसके अलावा गाबा ट्रांसमाइनेज वगैरह को, टी टाइप कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देना है। ठीक है, अब जो इसके क्लिनिकल यूज़ है, ये काफ़ी सारे सीजर के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक एब्सेंस सीजर है, मायोक्लोनिक एटोनिक सीजर होता है, इसके अलावा जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, पार्शियल सीजर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्बामेजापिन की नस्बत रिलेटिवली लेस इफेक्टिव होती है। ओके, और ये मीनिया को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर GIT डिस्टर्बेंस है, वेट गेन हो सकता है, ओके, ट्रांजिएंट हेयर लॉस, एलोपेकिया हो सकता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है। लैमोट्रिजन फेनिटोइन को रिजेंबल करती है, इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। ओके, जो लैमोट्रिजन है कैल्शियम को भी ब्लॉक कर देती है, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने एक साइटोट्री अमाइनो एसिड को ग्लूटामेट और स्पार्टिक एसिड की रिलीज को ब्लॉक कर देना है बाय ब्लॉकेट ऑफ सोडियम चैनल। ओके, तो साइड इफेक्ट में ये आधा क्लाइन के ब्लड बीएन डिप्लोपिया है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकती है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम हो सकता है। गाबा पेंटेन स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ गाबा होता है, लेकिन गाबा रिसेप्टर पर जाकर बाइंड नहीं करता। ओके, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने अल्फा 2 डेल्टा 1 सब यूनिट को इनहिबिट कर देना, स्पेसिफिकली हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो ये प्रोटीन से बाउंड नहीं करती, मेटाबोलाइज वगैरह नहीं होती। ओके, इसके बाद है कि जो साइड इफेक्ट है गाबापेंटिन के, तो एटैक्सिया, फटीग, निस्टैग्मस हो सकती है, तो उसको दूसरी ड्रग के साथ मिला के देते हैं। इसके अलावा गाबापेंटिन डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर पोस्ट हार्पेटिक न्यूरोजिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टोपिनामेट है, टोपिनामेट की जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है लाइक ये ओरल एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना, हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर भी है ये, और NMDA रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है। तो टोपिनामेट के बहुत सारे एक्शन नजर आ रहे हैं। टोपिनामेट ये माइग्रेन वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके वेट लॉस, सेडेशन है, यूरोलिथियासिस सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरास्थीसिया हो सकता है, ओके, टेराटोजेनिसिटी हो सकती है। विगाबैट्रिन है, जो विगाबैट्रिन होती है तो ये ड्रग को चॉइस होती है फॉर इन्फेंटाइल स्पैज़म, स्पेसिफिकली फॉर ट्यूबरस एक्लोरोसिस है, तो ये गाबा मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, गाबा के कंटेंट को बढ़ा देती है, फॉर एग्जांपल जो वेलप्रोइक एसिड कर रहा था, VLPL डिफेक्ट वगैरह हो सकती है। इसके बाद है स्टेटस एपिलेप्टिकस की मैनेजमेंट होती है। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर आपने लोरजेपाम देना है 0.1 से लेकर 0.15 मिलीग्राम पर kg इंट्रावीनस फॉर्म में देना है 1 से लेकर 2 मिनट तक, ठीक हो गया। ओके, फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि एडिशनल इमरजेंसी ड्रग देनी है अगर सीजर स्टॉप नहीं होता, ठीक है, या अगर सीजर स्टॉप हो जाता है तब मजीद इमरजेंसी ड्रग की जरूरत नहीं है। अगर सीजर स्टॉप नहीं होता तो आपने फोर्स फेनिटोइन वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। अगर सीजर कंटिन्यू है, ओके,
सीजर कंटिन्यू है, तब आपने फॉस्फेनेटोइन की कंसेंट्रेशन को देखो, फॉस्फेनेटोइन और फेनेटोइन की कंसेंट्रेशन को थोड़ा सा कम करते रहना है, फिर आगे मजीद ड्रग ऐड कर देनी है। तो ड्रग कौन कौन से, पहले लोरजेपाम है, फिर फेनेटोइन वगैरह ऐड कर देनी है, फिनोबार्बिटल है ओके, और फिर इंट्रावीनस एनेस्थीसिया विद प्रोपोफोल एंड एमिडाजोलाम एंड फिनोबार्बिटल होती है ओके। तो ये इसके मैनेजमेंट है। अब एमसीक्यू लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग डज नॉट एक्ट बाय सोडियम चैनल, तो सोडियम चैनल के जरिए कौन से काम नहीं करती, तो लैमोट्रिजिन, कार्बामेज़ेपिन, फेनेटोइन करती है लेकिन फिनोबार्बिटल नहीं करती। इसके बाद हम चलने जाते हैं सीवीएस के अंदर, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रिंसिपल सिंड्रोम होता है, इसकेमिक हार्ट डिजीज का, इसके अंदर चेस्ट पेन होता है जो कि लेफ्ट शोल्डर की तरफ, नेक की तरफ, जॉ की तरफ होती है, इसकी तरफ रेडिएट करता है। इस वक्त होता है जब हार्ट की तरफ ऑक्सीजन डिलीवरी रिलेटिवली कम हो जाती है। गोल ऑफ थेरेपी है कि आपने ऑक्सीजन की डिलीवरी को बढ़ा देना है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम कर देना है। अनजाना की यहाँ पे तीन टाइप लिखी हुई है, स्टेबल, अनस्टेबल और वेजोस्पास्टिक है। स्टेबल और अनस्टेबल के अंदर नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर यूज़ करने हैं, वेजोस्पास्टिक के अंदर बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करने बल्कि नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करने हैं। बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, नाइट्रेट होता है नाइट्रोग्लिसरीन, गुआनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है जो एस्पार्जिन वगैरह से बनता होता है ठीक है ओके, और इस तरह रिलैक्सेशन करा देता है। अब जो यहाँ पर लिखा है कि एसिटाइलकोलाइन, ब्रैडीकाइनिन और जो सेरोटोनिन होती है ओके, जो एसिटाइलकोलाइन M3 रिसेप्टर होता है, ब्रैडीकाइनिन भी अपने रिसेप्टर के जरिए काम करता है ओके, सेरोटोनिन भी अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को एक्टिवेट कर देते हैं, वो आगे नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। फिर मायोसिन लाइट चेन की फॉस्फोराइलेशन होती है, वो आगे मसल की रिलैक्सेशन करा देता है, लेकिन की वजह से टैकीपैरेक्सिस हो सकती है। इसके बाद है फार्माकोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर, जो वैसोडायलेटर होती है हार्ट फेलियर में, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड है, हाइड्रोलाजिन और नाइट्रेट वगैरह हम यूज़ करते होते हैं ओके। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को आपने अवॉइड करना है। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर होते हैं, साइक्लिक एएमपी के डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देते हैं। फार्माकोलॉजी ऑफ डिजिटाइलेज, तो कार्डिक लाइकोसाइट होता है, वो डाइजॉक्सिन है, इसके अलावा डिजिटॉक्सिन भी होता है। अब इनका कंपैरिजन लिखा हुआ है ओके, जो डाइजॉक्सिन है इसकी प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी रिलेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू डिजिटॉक्सिन है। ऑनसेट ऑफ एक्शन किसका, ऑनसेट रिलेटिवली रैपिड होता है, तो जो ऑनसेट रैपिड ऑफ डाइजॉक्सिन का होता है, हाफ लाइफ होती है, तो हाफ लाइफ भी डिजिटॉक्सिन की, यानी जो प्लाज्मा बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑनसेट ऑफ एक्शन और हाफ लाइफ, तीनों डिजिटॉक्सिन की ज़्यादा होती है ओके। जो डिजिटॉक्सिन की मेटाबोलाइट होती है बाइल के अंदर आती है, जबकि डाइजॉक्सिन की जो एलिमिनेशन है वो यूरिन के जरिए होती है और वो अनचेंज फॉर्म में रिलीज हो जाती है ठीक है। अब फार्माकोलॉजी के एक्शन ऑफ डिजिटाइलेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन लिखे हुए हैं ओके। मेनली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जो इनडायरेक्ट एक्शन है ओके। यहाँ पे इसी तरह नज़र नहीं आ रहा है किस तरह से इनडायरेक्ट एक्शन लिखे हुए हैं। इनडायरेक्ट एक्शन के अंदर वैसे ये लिखा है कि जो डाइजॉक्सिन होती है, डिजिटाइलिस होती है, ये वेगो मेमेटिक होती है, आई थिंक शायद इस तरह से लिखा हुआ है। मेन मैकेनिज्म है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, और दूसरा वेगल और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है ओके। एडवर्स या टॉक्सिक इफेक्ट की बात करते हैं, नैरो सेफ्टी मार्जिन है, इसके वजह से नोजिया वगैरह, वॉमिटिंग हो सकती है ओके, ब्लड वियन हो सकती है, येलो या ग्रीन वियन खराब हो जाती है, क्रोमाटोक्सिया वगैरह हो जाता है, ट्रांजिट एम्ब्लायोपिया एंड डिप्लोपिया, सीएनएस के ऊपर हेडेक हो सकता है ओके, जीआईटी के ऊपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन, डायरिया वगैरह हो सकता है, येलो वियन वगैरह हो सकती है, डाइजिटाइलिस की वजह से बाइजेमनी वगैरह हो सकती है। तो ये रनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, एल्डोस्टेरोन सिस्टम का मैकेनिज्म लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, तो उसको भी छोड़ देते हैं अभी। फिर एस इनहिबिटर की वजह से क्या अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरकलीमिया, एंजियोनेरोटिक एडिमा, ड्राई कफ, रीनल इनसफिशिएंसी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिस्कोसिया है, यानी बैड टेस्ट होता है, टेस्ट खराब हो गया है, प्रोटीन यूरिया और न्यूट्रोपिनिया वगैरह हो सकता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है। इसके बाद हार्ट फेलियर मैनेजमेंट है, तो जो डेफिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर है, जो कार्डिक फेलियर होता है, क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसके अंदर जो हार्ट होता है उसी तरह पंप नहीं कर पा रहा होता ओके। तो हार्ट फेलियर के अंदर वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होती है, जब हार्ट फेलियर कम होता है तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म लिखे हुए, आप इसको देख लेना ओके। अब न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन, लाइक न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन होती है, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम, हार्मोनल का मतलब एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो वो आगे डिजीज को प्रोग्रेस करा देते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफी, एपोप्टोसिस, इस्कीमिया, अरिथमिया, रिमॉडलिंग ऑफ फाइब्रोसिस वगैरह हो सकती है। न्यूरो हार्मोनल सिस्टम को ब्लॉकेट करने के लिए, लाइक सिंपैथेटिक को ब्लॉक करने के लिए बीटा ब्लॉकर, एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन को ब्लॉक करने के लिए एस इनहिबिटर और एआरबी लेते हैं, डिजीज की प्रोग्रेशन को मिनिमाइज कर देते हैं, हाइपरट्रॉफी को, एपोप्टोसिस को, इस्कीमिया को, अरिथमिया को, रिमॉडलिंग को, फाइब्रोसिस को, इन सबको इनहिबिट कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर आपको वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग नजर आ रही होगी, जो दरमियान वाला हार्ट है वो हाइपरट्रॉफिड है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, और जो डायलेटेड हार्ट है ओके तो वो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। जो हाइपरट्रॉफी होगा वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जबकि डायलेटेड में सिस्टोलिक हार्ट फेलियर आ जाएगा ओके। इसके बाद जो हमारा मेन था वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।